हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। मेरा नाम है ब्रह्मानंद सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू द एसी सर्किट्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। जो हम लोग को इसमें पहला टॉपिक स्टार्ट करना है वो हम लोग देखते हैं, दैट टॉपिक इज़ बेसिकली करंट। क्योंकि यहाँ पे एसी है, दैट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें सबसे पहला टर्म जो है करंट, इसके बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम लोग करंट के बारे में जानेंगे, देन ओनली वी कैन क्लासिफाई दैट इनटू अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी करंट, दैट इज डायरेक्ट करंट। तो आइए सबसे पहला टर्म देखते हैं हम लोग, करंट। करंट जो है बेसिकली आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन आई वॉन्ट टू क्लियरिफाई इट। तो करंट हमारा बेसिकली है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज across any cross sectional area per unit time is called current। जो हमारे पास किसी भी given cross sectional के area के across जो भी charge flow हो रहे हैं in यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज द करंट। तो यहीं से हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, I इज इक्वल्स टू dQ अपॉन dt। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास dQ है, जो हमारे पास फ्लो हो रहा है। देखिए मैंने अब क्या किया है, एक क्रॉस सेक्शन ले लिया। मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शन का एरिया A है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर दिस इज अ सिलेंडर। मैंने क्या किया है, इसको कट कर दिया है। तो यू कैन सी अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया के अक्रॉस जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज गिविंग मी द करंट। तो जैसा कि हम लोग बात करें फॉर कंडक्टर्स, अगर मैं बात कर रहा हूँ कंडक्टर्स की, तो वी हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या बोलूँ मैं बेसिकली वी हैव कंडक्टर्स में होंगे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच हेल्प आउट इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं पर अगर मैं बात करूँ सेमी कंडक्टर्स की, तो मेरे पास दो टाइप्स के चार्ज कैरियर्स होंगे बेसिकली। एक तो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा होगा होल्स। तो सेमी कंडक्टर्स में हमारे पास दो टाइप के चार्ज कैरियर हैं, एक है होल्स और दूसरा है फ्री इलेक्ट्रॉन। वेयर एज फॉर कंडक्टर वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज द चार्ज कैरियर। तो एज्यूम करते हैं हमारे पास जो ये गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें अगर एन वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और वहीं पे एन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो हमारे पास करंट कितनी आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ट्राई टू कैलकुलेट इट। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो हमारे पास चार्ज होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10^-19 कूलम, दैट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। और एन वन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बेसिकली दिस चार्ज Q1 विल बिकम माइनस ऑफ एन वन इंटू 1.6 इंटू 10^-19 कूलम्स। वहीं पे यहाँ पे देखिए हमारे पास N2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो टोटल चार्ज Q2 होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू N2 माइनस ऑफ N2 इंटू 1.6 इंटू 10^-19 कूलम्स। तो ये मेरे पास है चार्ज Q2 विच इज़ क्रॉसिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। वहीं पे दिस चार्ज इज Q1। तो अब मुझे देखना है
कि नेट चार्ज जो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रहा है वो कितना है। तो नेट चार्ज क्रॉसिंग विल बी इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ क्यू वन एंड क्यू टू। जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो होगा हमारे पास नेट चार्ज क्रॉसिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पर मैं डिफरेंस क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास हो सकता है कि एन वन कैन बी ग्रेटर देन एन टू या फिर एन टू इज ग्रेटर देन एन वन। फॉर लेट अस दिस केस वी एज्यूम एन वन इज ग्रेटर देन एन टू। तो जब एन वन इज ग्रेटर देन एन टू होगा तो ऑब्वियसली द चार्ज क्यू वन इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द चार्ज क्यू टू। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फॉर द केस एन वन greater than n2, I can write down q1 minus q2 is the net charge crossing. अब ये जो चार्ज है, अगर मैंने t टाइम पीरियड के लिए जो हमारा डिफरेंस टाइम है, अगर वो यूनिट टाइम में अगर ये चार्ज जो है क्रॉस कर रहे हैं, देन दिस विल गिव मी द करंट। अदरवाइज जो जिस टाइम पीरियड के लिए मैंने इसको देखा है, द टाइम पीरियड फॉर विच वी हैव ऑब्जर्व्ड दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसमें हमारे पास चार्ज Q1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड टू राइट साइड क्रॉस हो रहा है, और वहीं पे जो चार्ज Q2 है दैट इज क्रॉसिंग फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड इन टी टाइम्स। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग इन टी टाइम्स, तो जो हमारे पास करंट आ जाएगी, द करंट विल बी इक्वल्स टू Q1 minus Q2 divided by T. The current will be I is equals to Q1 minus Q2 divided by T amperes. So that will give me the current which is crossing with the which is flowing through this cross section area in time period T. अभी हमने देखा the current is I is equals to Q1 minus Q2 divided by T. For the case N1 is greater than N2. अगर मेरे पास है if N2 is greater than N1, तो मेरे पास करंट क्या आएगी, I is going to be equals to Q2 minus Q1 divided by T if N2 is greater than N1. If as N2 is greater than N1. और थर्ड केस जो है, दिस इज केस वन, वी हैव दिस इज केस टू, या फिर हो सकता है कि हमारे पास केस थर्ड हो वेयर N1 इज इक्वल्स टू N2. इन दिस केस द करंट विल बिकम जीरो। तो ये केस आपको याद रखना है, इफ In any cross-sectional area, the number of electrons crossing from the left side to the right side is equals to the number of electrons crossing from the right side to the left side, then the current flowing through that cross-sectional area is going to be zero. तो ये चीज़ आप लोग को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि generally this happens, it happens, it happens for a conductor at neutral state, that means when no potential difference has been applied. जब हमारे पास कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होता है, दैट मीन्स द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर इज गोइंग टू बी ज़ीरो। तो उस कंडीशन में भी, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है कि करंट ज़ीरो हो रही है, द कंडीशन इज कि जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया हमने कंडक्टर का लिया है, उसमें लेफ्ट टू राइट जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर्स होते हैं, दैट इज इक्वल्स टू द
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट अक्रॉस द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस वजह से हमारे पास जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर दिया तो द करंट विल बिकम जीरो। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दीज पॉइंट्स। केस थर्ड में हमारे पास बेसिकली करंट जीरो थी, दैट्स वाई आई एम नॉट वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द केस थर्ड। वहाँ पे हो क्या रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट। तो अभी हम लोग देखते हैं फॉर केस वन एंड केस टू। सब हम लोग को देखिए इन दोनों ही कंडीशन में हमारे पास कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अभी जब करंट फ्लो हो रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज टेकन इन द फ्लो ऑफ पॉजिटिव या यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द फ्लो ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड। यस अप्लाइड। तो जिस डायरेक्शन में बेसिकली हमारा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा उस डायरेक्शन में ऑब्वियस सी बात है कि हम जो करंट की डायरेक्शन लेंगे, वी आर गोइंग टू एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्लो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस हैज बीन अप्लाइड। और हम जानते हैं कि अगर मेरे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, दो पॉइंट है A एंड B। तो अगर मेरे पास V1 इज ग्रेटर देन V2 तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज जो होगा पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज दैट विल ट्रेवल फ्रॉम A टू B। अगर मेरे पास V1 ग्रेटर देन V2 है देन पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। लेकिन वहीं जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो होगा दैट विल ट्रेवल अपोजिट टू दैट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। मेरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मूव करेगा फ्रॉम V2 टू V1। वहीं पे जो पॉजिटिव चार्ज है दैट विल मूव फ्रॉम V1 टू V2। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, आप लोग को पता होगा ऑलरेडी ये, बिकॉज द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू दैट ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हमारे पास फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल्स टू Q इंटू E। तो यहाँ पे जब Q पॉजिटिव होगा तो फोर्स विल बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब नेगेटिव चार्ज होगा तो जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगा। तो ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए, इफ इट इज़ नॉट क्लियर टू यू देन यू कैन पोस्ट अ कमेंट, आई विल क्लियरिफाई इट फॉर यू। तो अभी यहाँ पे ये चीज़ मैंने इसलिए बताई क्योंकि देखिए फर्स्ट कंडीशन में मेरे पास Q1 इज ग्रेटर देन Q2, दैट मीन्स जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पास हो रहे हैं वो ज़्यादा है। तो देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस केस विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट क्यों होगी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू फ्लो अपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यहाँ से हमको यही पता चल रहा है कि हमारे पास पॉजिटिव 1 कूलम जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में पास करंट होगी, करंट की डायरेक्शन वही होगी और इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। तो इस वजह से जो हमारा फर्स्ट केस है जिसमें हमारे पास Q1 इज ग्रेटर देन Q2 बिकॉज N1 इज ग्रेटर देन N2 द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। वहीं पे जो हमारे पास सेकंड केस है डायरेक्शन विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हमारे पास अभी राइट से लेफ्ट की तरफ मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं दैट मीन्स द करंट इज गोइंग टू बी फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए
यू शुड रिमेंबर इट दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट, यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये था हमारे पास बेसिकली जो भी हमारे पास डिस्कशन था रिलेटेड टू द करंट. अभी हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ करंट, जो कि हम लोग को बात करनी है, जो फर्स्ट पॉइंट दैट इज डीसी करंट एंड द अल्टरनेटिंग करंट. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था कि द राइट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट टू दैट ऑफ फ्लो ऑफ करंट. तो ये आप लोग को याद रखना है, यू शुड रिमेंबर इट. अगेन वी कैन क्लासीफाई द करंट्स इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट इज द डीसी करंट और दूसरा इज द अल्टरनेटिंग करंट्स. बेसिकली डीसी करंट्स जो हमारे पास अवेलेबल होती है, डीसी सोर्सेस होते हैं हमारे पास, जो हम लोग बात करें तो डीसी सोर्सेस की बात कर लेते हैं. दिस आर बेसिकली सेल्स और बैटरीज जो हमारे पास सोर्सेस होते हैं, दोज आर बेसिकली प्रोड्यूस डीसी करंट्स. वहीं पे अल्टरनेटिंग करंट एसी सोर्सेस की मैं बात करूं तो जो हमारे पास जनरली हाउस होल्ड सप्लाई होती है, दोज आर अल्टरनेटिंग करंट्स. और या फिर मैं बोलूं जो हमारे पास पावर प्लांट जनरेशन जो जनरेटर्स जो होते हैं, पावर प्लांट जनरेटर, दोज प्रोड्यूस द एसी करंट. तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप ऑफ करंट है. तो जनरली देखिए, अभी मैंने एक टर्म लिखा पावर प्लांट जनरेटर, तो हमारे पास जो भी जनरेटर्स हैं बेसिकली दोज प्रोड्यूसर्स एसी. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास उठता है कि व्हाई नॉट डीसी, हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट ही हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, व्हाई द अल्टरनेटिंग करंट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू हाउस होल्ड सप्लाईज, नॉट द डीसी करंट हैज़ बीन सप्लाइड टू द हाउस होल्ड सप्लाईज. तो ये पहला क्वेश्चन है, बट वी आर नॉट गोइंग टू टेक अप दिस क्वेश्चन राइट नाउ. इस क्वेश्चन को अभी हम थोड़ा बाद में लेंगे. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी क्लैरिफाइड विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसी एंड डीसी. तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग को पहले क्लियर करना है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हम लोग पावर प्लांट्स में जो जनरेट कर रहे हैं वो एसी क्यों जनरेट कर रहे हैं, डीसी क्यों नहीं कर रहे हैं. बेसिकली आप ये समझिए अभी के लिए फिलहाल कि पावर प्लांट जनरेशन में हम लोग एसी करते हैं, और जब हम लोग को स्टोरेज करना होता है इलेक्ट्रिक स्टोरेज, तो उसके लिए हम लोग को डीसी का यूज़ करना होता है. जो भी आपके यहाँ इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर से बैटरी कनेक्टेड होगी, तो होता क्या है कि जो एसी सप्लाई हमारे पास आ रही है बाय द हेल्प ऑफ इन्वर्टर, इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डीसी, और वो डीसी स्टोर हो रही है इन द बैटरीज. और जब हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन हो जाती है, शट डाउन होता है, तो होता क्या है कि दैट स्टोर्ड डीसी करंट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एसी बाय द हेल्प ऑफ इन्वर्टर. जो इन्वर्टर है हमारे पास बेसिकली वो कन्वर्ट कर रहा है फर्स्ट टाइम फॉर स्टोरेज, दैट इज़ कन्वर्टिंग इट इनटू एसी टू डीसी. बेसिकली वहाँ पे हमारे पास दो टाइप के डिवाइस हैं, एक को बोलते हैं हम लोग रेक्टिफायर. रेक्टिफायर बेसिकली कन्वर्ट्स द एसी टू डीसी, और जो इन्वर्टर बोल रहे हैं दैट कन्वर्ट्स डीसी टू एसी. तो बट हम लोग जनरली इन दोनों प्रोसेसेस को ही मिलाकर इन्वर्टर बोल देते हैं फॉर द जनरल पर्पसेस. तो इस वजह से जो आपके यहाँ डिवाइस लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्टर. तो अभी हम लोग क्लेरिफाई करते हैं व्हाट इज एसी एंड डीसी. बेसिकली आपके यहाँ कोई भी प्लग लेंगे आप, तो एक आपके पास एक बहुत ही थिक प्लग होगा, और वहीं पे दो थिन प्लग होते हैं, जिसमें से एक होता है लाइफ, एक होता है न्यूट्रल, और दूसरा होता है अर्थ. जो अर्थ वाला कंडक्टर होता है वो बेसिकली बहुत ही थिक होता है. ये थिक क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए. तो लेंथ अप्रॉक्सीमेटली तीनों की ही इक्वल होती है,
बट द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। अर्थ किस लिए यूज होता है? बिकॉज इट इज बींग यूज टू कंडक्ट एनी लीकेज इन करंट टू द अर्थ। तो जो लीकेज है करंट में, जो कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है, उसको पास करने के लिए बेसिकली हम लोग अर्थ, जो हमारा अर्थ कंडक्टर है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो अगर उसका हाई रेजिस्टेंस होगा तो बेसिकली दैट स्मॉल लीकेज ऑफ करंट विल नॉट बी एबल टू पास थ्रू दिस कंडक्टर। तो हम करते क्या हैं, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया आर इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो जैसे ही मेरा ए जो है वो इंक्रीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टेंस इज गोइंग टू डिक्रीज। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स द रेजिस्टेंस इज गोइंग टू डिक्रीज। और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स अ वेरी स्मॉल लीकेज करंट विल ऑल्सो पास टू द अर्थ। तो इस वजह से हमारे पास जो अर्थ का कंडक्टर होता है, दैट इज ऑफ वेरी थिक कंडक्टर। वहीं पे हमारे पास लाइव एक न्यूट्रल होता है। तो आइए अब हम लोग लाइव और न्यूट्रल की बात करते हैं, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। अभी जो हमारे पास गिवन है, दो ग्राफ गिवन है। ऑन द एक्स एक्सिस आई एम ट्राइंग टू प्लॉट द टाइम, और वहीं पे वाई एक्सिस आई एम ट्राइंग टू प्लॉट द वोल्टेज। सिमिलर केस फॉर दिस होल ग्राफ ऑल्सो, वी हैव ऑन एक्स एक्सिस टाइम, व्हेयरएज ऑन वाई एक्सिस वी हैव वोल्टेज। तो अभी देखते हैं हम लोग, फर्स्ट ग्राफ को पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास दो थे, एक लाइव स्टैंड्स फॉर एल, और जो न्यूट्रल है आई एम राइटिंग इट विथ एन। तो अभी हो क्या रहा है, देखिए हमारे पास एक जो वोल्टेज है दैट इज 0 वोल्ट, और दूसरा जो है दैट इज 5 वोल्ट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, दैट 5 वोल्ट हैज़ बीन अप्लाइड टू द लाइव वायर, और जो 0 वोल्ट है दैट इज द न्यूट्रल वायर। तो अब इनफिनाइट टाइम तक मैंने क्या किया है, लाइव को प्लस 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी है। वहीं पे जो हमारा न्यूट्रल वायर है उसके पास जो वोल्टेज है दैट इज 0। सो देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पी डी ऑफ 5 वोल्ट जो है दैट इज प्लस 5 वोल्ट बिटवीन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव वायर है मेरे पास, सो दैट इज ऑफ हैविंग पोटेंशियल ऑफ 5 वोल्ट, और वहीं पे जो न्यूट्रल है दैट इज हैविंग अ 0 वोल्ट। अब मैंने जो रेजिस्टेंस यहाँ पर आर लगा रखा है, अब होगा क्या कि हम जानते हैं कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रहना चाहिए, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। तो पहला पॉइंट हमने ये देखा था कि द करंट ऑलवेज फ्लोज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा है कि द करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इस यहाँ से मैं एक पॉइंट और लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये आप लोग को ये दोनों ही पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं इस सर्किट में, मैंने लाइव जो वायर है उसके पास प्लस 5 वोल्ट दिया है, और जो न्यूट्रल वायर है दैट इज ऑफ 0 वोल्ट। तो अ करंट स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम द लाइव वायर अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस लोड जो कि अप्लाइड है टू दिस सर्किट। ये हमारे पास लोड है, रेजिस्टिव लोड, इसके अक्रॉस एक करंट फ्लो होगी दैट इज आई अक्रॉस दिस सर्किट। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास वोल्टेज है वो कॉन्स्टेंटली अप्लाइड है फॉर द इनफाइनाइट टाइम। तो होगा क्या कि दिस करंट विल नेवर गोइंग टू बी चेंज इट्स डायरेक्शन, वो हमेशा फ्रॉम द लाइव टू द न्यूट्रल ऑलवेज फ्लो करेगी। सो लाइव इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड न्यूट्रल इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव।
तो आप लोग कभी भी एक सेल उठाइए, जो आपके पास सेल होता है बेसिकली, उसमें आपने देखा होगा एक कंडक्टर होता है। दिस इज़, आप यहाँ पे देखिएगा इसकी बॉडी पे, यहाँ पे लिखा होता है दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव। सो व्हेन लोड इज़ बीइंग कनेक्टेड अक्रॉस दिस, अ करंट विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल। और ये करंट की डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर आपने गलती से इस सेल को उल्टा लगा दिया फॉर अ गिवन सर्किट, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक अ रिमोट। रिमोट में क्या होता है, आपके पास पॉजिटिव साइड टर्मिनल का एक कनेक्शन होता है, वहीं पे नेगेटिव टर्मिनल का एक कनेक्शन होता है। ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ सेल। आपने नेगेटिव अगर इधर कनेक्ट कर दिया और इधर पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज यू शुड अप्लाई पॉजिटिव टर्मिनल टू द लाइव एंड नेगेटिव टर्मिनल टू द न्यूट्रल, और जिसकी वजह से फ्रॉम द लाइव टू द न्यूट्रल द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम, एंड दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड एज डीसी करंट, डायरेक्ट करंट हम इन्हीं को बोलते हैं, जिसमें द करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नेवर गोइंग टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नेवर गोइंग टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, उसके बाद हम लोग डीसी का डेफिनेशन देखते हैं। डीसी करंट इज बेसिकली, डीसी करंट इज द करंट हुज डायरेक्शन इज नेवर गोइंग टू चेंज इन अ गिवन सर्किट, नेवर गोइंग टू चेंज इन अ गिवन सर्किट विद रिस्पेक्ट टू, WRT stands for with respect to time. तो जो हमारे पास फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन होगी, दैट इज नेवर गोइंग टू चेंज इन द गिवन सर्किट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन वी विल मूव टू द डिस्कशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स। लेट अस नॉट टॉक ऑफ द सेकेंड ग्राफ। इसमें वो कह रहा है, देखिए फर्स्ट जो हमारे पास एक जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज लाइव, दूसरा इज न्यूट्रल। तो फॉर टाइम पीरियड ऑफ T1 जो हमारे पास वोल्टेज है न्यूट्रल के पास दैट इज़ 0 वोल्ट, और जो हमारे पास वोल्टेज है फॉर द लाइव वायर दैट इज़ ऑफ +5 वोल्ट। तो ये अप्लाई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर T1 टाइम पीरियड इट हैज़ बीन अप्लाइड टू द सर्किट। तो यहाँ पे होगा मेरे पास 0 वोल्ट और दिस इज़ गोइंग टू बी द +5 वोल्ट। तो होगा क्या कि अगेन सिमिलर टू दैट ऑफ DC सर्किट्स, मेरे पास करंट विल स्टार्ट फ्रॉम द लाइव वायर अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, और वो न्यूट्रल वायर जो होगा वहाँ तक कनेक्ट होगी और द सर्किट विल गेट कम्प्लीटेड। अब T1 टाइम के बाद नेक्स्ट द लाइव वायर इज हैविंग ऑलवेज हैविंग हायर पोटेंशियल, और वहीं पे जो हमारे पास दूसरा साइड है दैट इज हैविंग अ लोअर पोटेंशियल। ये देखिए यहाँ पे जो हमारे पास T1 टाइम के बाद जो लाइव वायर पे हमारे पास पोटेंशियल अप्लाइड है दैट इज़ ऑफ -5 वोल्ट, और जो न्यूट्रल वायर पे अप्लाइड होगा दैट इज़ 0 वोल्ट। तो फॉर T1 टाइम टू 2T1 टाइम जो हमारे पास टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में हो क्या रहा है, मेरे पास जो लाइव वायर था वहाँ पे जो पोटेंशियल अप्लाइड है दैट इज़ ऑफ -5 वोल्ट, और वहीं पे जो न्यूट्रल वायर था वहाँ पे हो क्या रहा है, इट हैज़ बीन अप्लाइड 0 वोल्ट। अब देखिए हमारे पास 0 वोल्ट था, 0 वोल्ट से ग्रेटर देन था 5 वोल्ट, और 0 वोल्ट से लेस है -5 वोल्ट। तो अगर मैं इस कंडीशन को देख रहा हूँ, मेरा 0 वोल्ट जो है वो ग्रेटर है देन दैट ऑफ 5 वोल्ट। मैं इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, 0 वोल्ट इज़ ग्रेटर देन -5 वोल्ट। तो देयर विल बी अ करंट स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम द न्यूट्रल वायर टू द लाइव वायर। तो देख सकते हैं आप फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 0 to T1 की मैं अगर बात करूँ, जो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द लाइव वायर टू द न्यूट्रल वायर अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वहीं पे जो हमारे पास T1 से 2T1 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द न्यूट्रल वायर टू द लाइव वायर। तो द करंट डायरेक्शन ऑफ करंट इज जस्ट रिवर्स्ड। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। अगेन
अब मैं देख क्या रहा हूँ कि अगर मैं फिर देखिए आप 2t1 से 3t1 की बात करूँ मैं, तो अगेन मेरे पास क्या है कि जो मेरा न्यूट्रल वायर होगा वो 0 वोल्ट होगा, और वहीं पे जो मेरा लाइव वायर होगा दैट इज़ +5 वोल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगेन मैं बात कर रहा हूँ फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 2t1 to 3t1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइव वायर इज़ हैविंग अ पोटेंशियल ऑफ +5 वोल्ट, वहीं पे जो मेरे पास न्यूट्रल वायर है दैट इज़ हैविंग अ पोटेंशियल ऑफ 0 वोल्ट। अब देखिए दोनों तीनों ही कंडीशन में, चाहे मैं इस फर्स्ट कंडीशन लूँ न्यूट्रल इज़ 0 वोल्ट, न्यूट्रल इज़ 0 वोल्ट और न्यूट्रल इज़ 0 वोल्ट, जो हमारे पास पोटेंशियल है वो केवल और केवल लाइव वायर का चेंज हो रहा है। तो द पोटेंशियल ऑफ द लाइव वायर इज अल्टरनेटिंग, देखिए यहाँ पे था +5 वोल्ट, यहाँ पे -5 वोल्ट एंड अगेन इट इज +5 वोल्ट, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट केस। तो दिस इज द फर्स्ट हाफ और दिस इज द सेकेंड हाफ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल। तो ये जो है दिस 2t1 दिस इज कॉल्ड एज वन साइकिल, इसको हम लोग बोल रहे हैं वन साइकिल। तो वन साइकिल में हो क्या रहा है, फर्स्ट हाफ इज पॉजिटिव सेकेंड हाफ इज नेगेटिव, ये हो रहा है। इट इज़ नॉट अ कंपल्शन कि हमारे पास फर्स्ट हाफ पॉजिटिव हो सेकेंड हाफ नेगेटिव हो, ऐसा भी हो सकता है कि सेकेंड फर्स्ट हाफ इज नेगेटिव एंड सेकेंड हाफ इज पॉजिटिव, तो वो हम लोग को बाद में डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड कि एक हाफ एक साइकिल में बेसिकली एक हाफ मेरा पॉजिटिव हो रहा है और दूसरा हाफ नेगेटिव हो रहा है, अगर मैं ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से इस चेंज ऑफ वोल्टेज की वजह से हो क्या रहा है, मेरे पास डायरेक्शन ऑफ करंट इज अल्टरनेटिंग। देखिए यहाँ पे जो करंट थी उसका रिवर्स हुआ, फिर अगेन सेम डायरेक्शन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड व्हेन द करंट व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द टाइम पीरियड ऑफ 2t1 to 3t1। तो जो हमारे पास दोनों एक साइकिल में मैं देख रहा हूँ, तो फर्स्ट हाफ में जो डायरेक्शन ऑफ करंट थी दैट इज़ गोइंग टू चेंज एंड रिवर्स टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फर्स्ट हाफ। तो इस वजह से मेरा देखिए पोटेंशियल जो है वो अल्टरनेट कर रहा है फ्रॉम +5 वोल्ट टू -5 वोल्ट, अगेन टू +5 वोल्ट, देन नेक्स्ट अगेन -5 वोल्ट, और जो डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग। ये देखिए ये है हमारे पास फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकेंड अपोजिट टू दैट ऑफ फर्स्ट वन एंड सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट वन। तो यहाँ पे हमारे पास द वोल्टेज वोल्टेज इज अल्टरनेटिंग बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल्स, दस द डायरेक्शन ऑफ करंट डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्सिंग। तो जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट है वो रिवर्स हो रही है बार बार इन ईच एंड एवरी हाफ, एंड सच करंट्स कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट एसी, जिनको हम बोल रहे हैं। उसमें हो क्या रहा है, पोटेंशियल के अल्टरनेट होने की वजह से +5 और -5 वोल्टेज होने के लिए वजह से जो मेरे पास डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट इज गोइंग टू रिवर्स, इस वजह से जो हमको करंट मिल रही है दैट इज कॉल्ड एज द अल्टरनेटिंग करंट। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब हमारा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, देखिए फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव सेकंड हाफ में नेगेटिव, सो दिस इज कॉल्ड एज द वन साइकिल। अभी यहाँ पे देखिए मैंने एक स्क्वायर पल्स ड्रॉ की है, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नोट डाउन दिस पॉइंट्स, देन वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ एसी करंट्स। अभी तक जो हमने देखा वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स
इन दिस गिवन फिगर। जो बेसिकली हम लोग बात करें अल्टरनेटिंग करंट्स की, तो हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल के बीच में जो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड एज द अल्टरनेटिंग करंट। तो पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज के बीच में विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो अल्टरनेट होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज स्क्वायर पल्स अल्टरनेटिंग करंट। वहीं पे जो हमारे पास, देखिए दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, हमारे पास जो वोल्टेज है सेम वोल्टेज है। दिस इज फॉर एग्जाम्पल +5 वोल्ट, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी -5 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए इसका एक साइकिल कंप्लीट होगा, दिस इज गोइंग टू बी टी एंड दिस इज गोइंग टू बी T/2। जो एक साइकिल है हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल टी से, एंड द हाफ ऑफ साइकिल इज रिप्रेजेंटेड बाई T/2। तो यहाँ पे देखिए ये दिस इज द कंप्लीट साइकिल, दिस इज द हाफ साइकिल, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट किए T/2 से, दिस इज टी। जो थर्ड केस है, अगेन मेरे पास देखिए दिस इज कॉल्ड एज सॉ टूथ अल्टरनेटिंग करंट। जो आपने हेक्सा बेसिकली जो वुड मिल्स में सॉ यूज होती है उसके टीथ जैसा है कुछ ये, दिस इज द कंप्लीट वन साइकिल। जहाँ से बेसिकली मैं बोलूँ, जहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट साइकिल है वो रिपीट होना शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड एज द वन कंप्लीट साइकिल। सो दिस इज द T/2 और ये हमारे पास कंप्लीट साइकिल है। जो ये दोनों हैं ये बेसिकली दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज कॉल्ड एज द साइनोसॉइडल सिग्नल्स। तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज द साइनोसॉइडल सिग्नल, इसमें जो फर्स्ट ग्राफ है दैट इज ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। अभी हम लोग बेसिकली ओमेगा की बात करेंगे इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स, सो यू शुड नॉट बी वेरी मच कंसर्न अबाउट ओमेगा टी। ओमेगा के बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए अभी। तो दिस इज़ बेसिकली मैं बोलूँ साइन ऑफ थीटा, आप लोग जानते हैं दिस इज साइन ऑफ थीटा। तो ये बेसिकली टाइम के रिस्पेक्ट में और वोल्टेज का ग्राफ है जो मैंने साइन के रिस्पेक्ट में ड्रॉ किया है। दिस ग्राफ, सेकेंड ग्राफ इज ऑफ कॉस ऑफ थीटा, या फिर मैं बोलूँ कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो सिमिलर है, यहाँ पे भी हमारे पास ओमेगा है, दिस इज ऑल्सो ओमेगा। ओमेगा बेसिकली अभी मैं आप लोग के लिए यही बोलूँगा, दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये आप लोग बस अभी के लिए फिलहाल ये जानिए, ओमेगा इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली मैं दोनों जो सिग्नल्स हैं हमारे पास, चाहे वो साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो, उनकी जब मैं बात करता हूँ तो आई कैन कन्वर्ट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम जानते हैं कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा, ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सो मैं बेसिकली बोल सकता हूँ कि कॉस थीटा क्या है, एक डिलेड वर्जन है ऑफ द साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा को जीरो से ना स्टार्ट करके यहाँ से स्टार्ट करूँ, सो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कॉस ऑफ थीटा। तो बेसिकली मैं बोलूँ जो हमारे पास साइन थीटा है या कॉस थीटा है वो सिमिलर वेव्स हैं, दोनों के बीच में बस डिफरेंस क्या है 90 डिग्री फेज डिफरेंस का है। तो वी विल टॉक अबाउट द फेज डिफरेंस एंड द एंगुलर फ्रिक्वेंसी इन द नेक्स्ट नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स। तो अभी ज़्यादा कंसर्न मत होइए, बस ये जानिए कि जो हमारे पास साइन थीटा है या फिर साइन ओमेगा टी है और कॉस ओमेगा टी है, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऑफ द पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इन दोनों ही सिग्नल्स को हम लोग बोलते हैं साइनोसॉइड एसी, साइनोसॉइडल एसी करंट हम लोग इनको बोलते हैं। तो दोनों ही सिग्नल्स के लिए हम लोग बेसिकली साइनोसॉइडल टर्म्स यूज़ करते हैं, वो चाहे साइन ओमेगा टी हो और चाहे कॉस ओमेगा टी हो। तो यहाँ पे इस फिगर में हम लोग ने बेसिकली स्क्वायर पल्स एसी, ट्रायंगुलर वेव एसी, सॉ टूथ एसी और साइनोसॉइडल एसी करंट्स की बात की। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एसी करंट्स हो सकती हैं। बेसिकली एसी करंट एक जनरल टर्म है, इट कैन टेक एनी शेप,
और जो हमारे पास मेन क्राइटेरिया है दैट द पोटेंशियल ऑफ द लाइव वायर शुड अल्टरनेट बिटवीन द पॉजिटिव पोटेंशियल एंड द नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये मेन क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट इज गोइंग टू अल्टरनेट। सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द करंट, व्हाट इज डीसी करंट एंड व्हाट इज द एसी करंट, और उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ एसी करंट्स क्या है। इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी आर गोइंग टू मीट अप देन वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ द एवरेज वैल्यू द मीन वैल्यू ऑफ डिफरेंट एसी करंट्स। उसके बाद बेसिकली हम लोग को फेजर्स और डिफरेंट एसी सर्किट्स का एनालिसिस करना है। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग एंड बी हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज़।